सभी को राधे राधे। मैं सुसिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे यहाँ जो चल रहे अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे आगरा में, उसमें एक तारीख को भजन अंताक्षरी का प्रोग्राम रखा गया था और उसमें मुझे बकायदा जज के जगह अपॉइंट किया गया था। और मैंने जब ये बात लोगों को अपनी वीडियो पर बताई थी, लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी प्लीज आप अपनी वीडियो जरूर डालिएगा ताकि हम भी देखें कि वहां क्या क्या हुआ था। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि मैं वहां गई थी और मुझे जज की जगह मतलब बुलाया गया था, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि एक ऐसी, क्योंकि मैं भजन संध्या करती हूं इसलिए मुझे जज अपॉइंट किया गया था। और वहां जो प्रोग्राम भजन अंताक्षरी का हुआ वो बहुत बहुत अच्छा हुआ और मैं उसकी कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। तो चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम जा रहे हैं अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जयपुर हाउस में स्थापित है बुर्जीवाला मंदिर, वहां पर चलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ की सजावट देखें, दिखाई लायक है। और ये है यहाँ का जयपुर हाउस का बुर्जीवाला मंदिर। देखिए यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम उपलक्ष्य में। और ये देखिए यहाँ का स्टेज जो प्रतियोगिता के लिए बनाया गया है। चलिए अब तैयारी हो चुकी है भजन अंताक्षरी की प्रतियोगिता की। देखिए यहाँ पर ना चार टीम में ये जो प्रतियोगिता है वो विभाजित की गई। जैसे फर्स्ट है टीम मीरा, सेकेंड टीम माधवी, थर्ड है टीम सीता और फोर्थ है टीम राधा। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना चार राउंड रखे गए थे, यानी भजन प्रतियोगिता में चार राउंड। पहला राउंड था कि मुझे खुद को एक भजन यानी गाना था और उसके जो लास्ट का वर्ड था वो सबसे पहले टीम मीरा को पकड़ना था। जैसे मैंने भजन गाया था कि मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का घर तैयार सांवरे, तो ये शब्द जो एंड हुआ था ना रा पर, तो टीम मीरा ने रा से भजन स्टार्ट किए। 2 मिनट का उन्हें टाइम दिया गया था और 2 मिनट के अंदर उनकी टीम ने जितने भजन गाए उस एक भजन पर 5 नंबर उन्हें दिए जा रहे थे। उन्होंने शायद 3 भजन गाए थे तो हम लोगों ने उन्हें 15 नंबर दिए थे। देखिए अब ये प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मुझे और एक सर हैं विशाल शर्मा जी, उनको भी जज अपॉइंट किया गया। हम 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारी टीम को देखते हैं यहाँ से कि ये लोग कैसे इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहले राधे राधे। और आप लोगों के लिए सबसे पहला भजन है कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाए जाए, ये तो आहुति मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो आहुति मेरे प्राणों से प्यारी, से कौन ले आया इसे कौन ले आया मेरे रघुवर की रघुवर की कौन। इस राउंड को यहीं समाप्त किया जाता है और इस राउंड के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। अब सेकंड राउंड स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब हुआ था सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में दोहे रखे गए थे, बहुत दोहे सिंपल सिंपल से थे जो लिखे गए थे उनका, उन्हें स्टैंजा सुनाया गया था जैसे ऐसी वाणी बोलिए, सिर्फ इतना। तो उसके बाद का जो दोहा था वो टीम को एक एक दिया जा रहा था और उसे उन्हें पूरा करना था। सेकेंड राउंड में दोहे का आपको हर एक टीम को एक दोहे का एक मुखड़ा दिया जाएगा, एक आपको उस दोहे को पूरा करना है।
साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा टीम मेरा थी ये। थर्ड राउंड था, एक कुछ पिक्चर्स निकलवाई गई थी, मैंने उनको कुछ पिक्चर शेयर की थी गूगल से निकालकर, और उन पिक्चर्स को देखकर उन्हें भजन गाने थे। जैसे एक पिक्चर्स में था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और हनुमान जी उनके चरणों बैठे हुए हैं, तो उस पिक्चर पर उन्हें भजन गाना था। ऐसे ही एक एक पिक्चर हर टीम को दी गई थी। देखिए, इस क्लू में बताया गया है कि जब सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है ना, तो उनको देखकर हनुमान जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ तो प्रभु मुझसे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। तो उन्होंने कहा कि जब इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु इतने खुश होते हैं तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूँ तो प्रभु मुझसे कितने खुश होंगे। तो इसमें एक क्लू दिया गया है कि आपको इस पर भजन गाना है कि सिंदूर हनुमान जी ने अपने बदन पर लगाया है। अंजन के लाला मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। फोर्थ राउंड था जिसमें एक बॉक्स में कुछ चीजें भगवान से जुड़ी हुई, जैसे मोर पंखी, मुरली, नारियल या मुकुट, माला, फूल, ये चीज रखी गई थी, और आपको बिना देखे ही उस बॉक्स में से एक चीज निकालनी थी। जिस टीम के पास जो चीज पहुंच रही थी उस पर उन्हें भजन गाना था। सच मानिए, ये प्रतियोगिता देखने दिखाई लायक थी, और उसका जो जजमेंट मैं कर रही थी मुझे बहुत आनंद आ रहा था। गाय गाय, ठीक है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। और हम वहां से चल दिए थे प्रोग्राम को समापन करके, क्योंकि कल मुझे भी नेक्स्ट डे भी मुझे वहां पर पहुंचना था, क्योंकि वहां पर मुझे भजन संध्या के लिए अपॉइंट किया गया था। वहां पर भी भजन संध्या का प्रोग्राम था 7 से 8 का, और उसका भी वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने वहां पर जो भजन संध्या का प्रोग्राम किया था स्टेज पर बैठकर, और जो सम्मान मुझे वहां मिला उसकी भी आपको वीडियो में शेयर जरूर करूंगी। तो सभी को राधे राधे।